कैसे हैं आप लोग? हम वापस आ गए हैं विद येट अनदर एपिसोड ऑफ क्या आप जानते हैं। पर आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाले कुछ एपिसोड्स देखे होंगे वो ये बात जानते हैं कि यूजुअली मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कहाँ नहीं जाना है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा टाउन है जिसके नीचे 60 साल से ज्यादा एक अंडरग्राउंड फायर जल रही है। क्या आप जानते हैं कि ये फायर 250 साल और जलेगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? ये है यूएसए के पेंसिल्वेनिया का एक अबैंडन्ड टाउन। वेल, नॉट एग्जैक्टली अबैंडन्ड, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग रहते हैं अब। इस टाउन का नाम है सेंट्रेलिया और ये बसा है पेंसिल्वेनिया में। बट बिलीव मी, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक्चुअली लोग रहते थे। ये एक खुशहाल जगह थी जहाँ पर कोल की माइनिंग हुआ करती थी। फिर 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस छोटे से नगर की पूरी किस्मत बदल कर रखी। 1962 तक ये एक मामूली माइनिंग टाउन था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 लोग रहते थे। यहाँ टाउन के अलग अलग हिस्सों में काफी सारे माइनिंग प्रोजेक्ट भी चला करते थे। पर ये भयानक आग लगी कैसे, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता है, पर स्टोरी कुछ ऐसी है। तो 1962 में मेमोरियल डे से पहले टाउन के फायर फाइटर्स ने एक एरिया में इलीगल डंपिंग से निपटने के लिए कुछ 50 फुट गहरा गड्ढा बनाया, जिसमें उन्होंने टाउन का सारा कूड़ा भरा और इसमें आग लगा दी। पहले तो फायर फाइटर्स ने उस गड्ढे की आग बुझा दी। उससे लगा कि सब ठीक है, आग बुझ गई। पर कुछ समय बाद पता चला कि ये आग तो बुझी नहीं, लोगों ने भी कई ओकेजन पर जमीन के अंदर से आग और धुआं निकलता हुआ देखा। क्योंकि जो गार्बेज डंप जलाने की साइट थी वो एक अबैंडन्ड माइन के बगल में थी और एक डंप वाली फायर फाउंड इट्स वे टू द माइन एंड इग्नाइटेड द कोल्ड कोल। बस फिर क्या, जमीन गर्म होने लगी, कभी कभी अप टू 900 डिग्री फारेनहाइट, और उसके ऊपर से आग की वजह से धुएं में मिली जहरीली गैसेस से कई लोगों को हेल्थ इश्यूज होने लगे। जमीन के फटने का खतरा भी था। फट जाने का मतलब था जमीनी सरफेस का कोलैप्स कर जाना, क्योंकि यहाँ जो आग लगी थी अंडरग्राउंड वो धीरे धीरे पूरे टाउन को खोखला करती जा रही थी। और इन्हीं कारणों के चलते लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे अपने घर पीछे छोड़ दिए और वहाँ से मूव आउट करने लगे, क्योंकि उस गार्बेज डंप के गड्ढे से नीचे कोल माइंस में पहुंची ये आग अब जमीन के नीचे माइंस की भूल भुलैया में फैलती जा रही थी और अब ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर जा चुकी थी। वो कहते हैं ना, बात आग की तरह फैलती। आग फैलती ऐसे ही है, बिल्कुल तेजी से, बिना किसी की परवाह किए, जहाँ रास्ता मिल जाए वहीं से। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं है कि जमीन के नीचे भट्टी की तरह सुलग रहे शहर को बचाने की कोशिशें नहीं की गई। 1990s में पेंसिल्वेनिया गवर्नमेंट ने करीब $7 मिलियन खर्च किए इस आग को बुझाने की कोशिशों में, पर जमीन के नीचे कोयले की परत जलती रही और आखिर में उन्हें गिव अप करना पड़ा और इवेंचुअली लोगों को वहां से रिलोकेट करना पड़ा। आज तक लोग जब यहां से गुजरते हैं तो जमीन से धुआं निकलते हुए देख सकते हैं। इट्स पॉपुलेशन इज डिक्लाइंड फ्रॉम 1,000 पीपल इन 1980 टू 5 रेजिडेंट्स इन 2020। क्या आप जानते हैं इस शहर का कोई पोस्टल कोड भी नहीं है, क्योंकि वो रिवोक कर लिया गया और सेंट्रेलिया की सरकार 1992 में डिसॉल्व कर दी गई। आग से जहरीली गैसें निकल रही थी के कारण अनसेफ कंडीशंस पैदा हो रही थी। अंडरग्राउंड फायर से होने वाले हेल्थ हैजर्ड्स के कारण पिछले कुछ सालों में कई रेजिडेंट्स को उनके घर खाली करने पड़े और उन्हें रिलोकेट किया गया। सिचुएशन तेजी से डेंजरस होने लगी थी क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी की हार्मफुल गैसेस घरों में सीप करने लगी थी और कुछ एरियाज में तो ग्राउंड सर्फेस भी अनस्टेबल होने लगा था, क्योंकि अब कुछ ऐसा दिख रहा है। सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया के बारे में एक लेसर नोन फैक्ट है कि इसमें बकवेन आउटक्रॉप नाम की एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है। ये कोयले का एक नेचुरल एक्सपोजर है जो शहर के पास एक पहाड़ी के किनारे चलता है। बकवेन आउटक्रॉप उन कुछ जगहों में से एक है जहां बिना किसी माइनिंग या एक्सप्लोरेशन के सतह पर ही कोयला देखा जा सकता है। बट सैडली ये आउटक्रॉप ही डेकेड से जल रही इस अंडरग्राउंड फायर के लिए फ्यूल का मेन सोर्स में से एक है। कैन यू इमेजिन, एक अच्छा खासा हंसता खेलता इनफैक्ट इकोनॉमिकली बूमिंग टाउन एक गलती के कारण अब घोस्ट टाउन बन गया है। पर इससे हमारी इस दुनिया के बारे में कितना कुछ पता चलता है, कितना कुछ हो रहा है इसमें। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम इससे लेना चाहिए वो ये है दैट यू डू नॉट मेस विद नेचर, बिकॉज़ व्हेन यू डू कुछ ऐसा हाल होता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहे श्रेष्ठ भारत।